कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है हमारे। सो जैसे एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर राम, वो जम्मू से बाहर रहते हैं, ही वर्क्स इन बैंगलोर, क्योंकि आप सबको पता है कि आईटी अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबसे ज्यादा बैंगलोर में ही है, तो उनका आईटी बैकग्राउंड है, और वो उनका ऐसा सिस्टम है कि वो रेगुलर विजिट्स नहीं कर सकते, तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने सेल आउट करनी है और कुछ रेंट आउट करनी है। सो उनके पास एक फ्रेंड आते हैं उनके, वो कहते हैं कि क्यों परेशान है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है तो डेली वो आ नहीं सकते। सो उनके फ्रेंड्स उनको सजेस्ट करते हैं कि यार वहाँ से वर्मा जी हैं, वो काम करते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो उनको, क्योंकि लोकली वेरी वायरल है। आपको बताई है, और हमारा एक ही मोटो है, वी हैव टू टेक ऑफलाइन रियल एस्टेट इनटू ए ऑनलाइन रियल एस्टेट। So, this is our problem statement. Unorganized sector, unsold inventory, offline listing, lack of genuine leads, no sales closing. ये हमारी भी हैं और customer की भी रहती हैं। ये हमारी mutual problems हैं। Then solution. Online advertisement. We create online advertisement on YouTube or other social media. Then by उससे क्या होता है, हमारी reach जो होती है बढ़ जाती है, तो property selling के chances ज़्यादा होते हैं। Virtual visibility. हमने किसी को शेयर करना है तो हम सीधा उसको प्रॉपर्टी टू शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको वो वहां बैठा बैठा टाइम बचाता हुआ प्रॉपर्टी टू आराम से वो कर लेता है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, एथिकल वर्क कल्चर और कम्युनिटी बिल्डिंग। जब काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें एक एथिकल वैल्यूज रहेंगी और कम्युनिटी बिल्डिंग होगी। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने एक रियल एस्टेट कम्युनिटी बना दी है, एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसको हम बहुत ही जल्दी रजिस्टर करने वाले हैं, और एसबीडी के कारण मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे नेटवर्क मिला, जिससे हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। देन दिस इज आवर मार्केट एनालिसिस। हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास कस्टमर है, प्रेफरेंस जो है हमारी, उनकी प्रेफरेंस ये रहती है कि उनको अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज अच्छे बजट में मिल जाए। देन कस्टमर नीड, वैल्यू फॉर मनी, हाउसिंग इन देयर बजट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दीज आर ऑल रियल एनालिटिक्स फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। सो अवर मेन टारगेट कस्टमर इज फ्रॉम, आप देख सकते हो यहाँ पे 25-34 जो ज्यादा रहता है। देन दिस इज अवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। माई यूएसपी ये कि हम जम्मू के फर्स्ट रियल एस्टेट एडवाइजर हैं यूट्यूब पे, और टेक्नोलॉजी में हमारे ये कि हमने रियल एस्टेट कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, और एज हमारा ये कि मोर प्रॉपर्टी लिस्टिंग इन लेस टाइम। हम एकमात्र हम ही ऐसे अभी रियल एस्टेट में काम ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, ब्रोकर फॉर्म एज ए, जो कि ऑनलाइन टोटल रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक वर्चुअल टूल्स। वर्चुअल टूल्स के थ्रू हम जहाँ पे बंदा बैठा है उसको उसी टाइम पे वो वीडियो शेयर कर सकता है बंदा, और उसको वो पूरा टूल पड़ा वहाँ। सो दिस इज आवर बिजनेस मॉडल, कैसे हम जनरेट करते हैं वीडियो मेकिंग, साइट विजिट, ब्रोकरेज, यूट्यूब रेवेन्यू, आप सबको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंडली कोलैबोरेशन, ब्रांड प्रमोशन, रिव्यू वीडियोस, उसके बाद अदर इनकम स्ट्रीम, एफिलिएट मार्केटिंग, मेंबरशिप एंड प्रोग्राम्स। देन दिस इज अवर ग्रोथ स्ट्रेटजी। एस बी डी यू में मेरे को इन सब जो भी मैं चीजें करना चाहता था वो मिल गया, वोटर्स आर देयर, वेबसाइट बिल्डर्स आर देयर, और क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज ऑल रिलेटेड टू आई टी। Then this is our financial revenue, this is also I collected from our YouTube channel analytics, so here we go, this is our real time, and here is my team. My father, who is a gold medalist in marketing consulting from Jammu University, or she is my mother, she is a working homemaker or specialist in client follow-up, and that's me. So this is my ask. Government decided commission culture, commission structure. Government decided होना चाहिए, जो कि रहा बना लेगा. Single window registration और awareness programs must be conducted by government. So here is my conclusion. Providing online services, online property listing, single time video making. हमारा क्या रहता है कि हम customer को उसकी property का एक video बना के दे देंगे, जो कि हमारे channel पे हमेशा रहेगा. So कल को उसकी property suppose करो खाली होती है, वैकेंट होती है, तो वो सेम वीडियो जो है बार बार
यूज कर सकता है और जितनी बारी वो रिपीट करेगा उतनी बारी हमारे रेवेन्यू जनरेशन बनेगा. सो इट्स अ विन विन मॉडल. सो दैट्स माय कंक्लूजन. थैंक यू.